आज मैं दावत दूं कौम को मुसलमाना ना सुनावे ताकि हम ऐसे नशा जैसी पैड़ी चीज तो बचाव साहब डीएसपी कुकंडा तक वैगो इस गल को इजहार न करिए नीला कामा छपिया वेंगा कंडा को एतबार न करिए न्याय थी मोहतरमुल मकाम मौलाना यूसुफ साहब मौलाना अब्दुली यासीन पसवाल साहब फारूक भामड़ा साहब और मसे जिन्हें की वलवला अंगेज तकरीर अब्दुल रहमान साहब की तुमने सुनी हो सके मेरी गल तुमने फीकी लगेगी क्योंकि तुमने बड़ी वलवला अंगेज और जोशाली जड़ी स्पीच है मेरा तो पहले सुनी कि मारो मुल्क जड़ो है यो नशा ते पाक रहनो चाहिए इसके तहत यो प्रोग्राम करायो ते हूँ थारे रूबरू आयो कुशाई को मौको दी तो हम सब इसना बली बाती जाना के नशा जड़ो है यो ना सिर्फ ममनुआ अद्वियात जिसमें तम यह समझेंगे जड़ी इंसान की दिमागी हालत जड़ी है वह मुतासर करें वे अद्वियात वे ड्रग्स जड़ी है वे माशरा में बड़ी आम है तो हमारा माशरा में हमारी बरादरी में बाकी अवाम उन्नास अगर हम तकाबली करा जायजो लिया तो गुरबत जड़ी है आम हमारी बरादरी में ज्यादा है और ये जड़ा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله المولانا العظيم اسی دنیا میں جنت ہے یہی دنیا جہنم ہے इसी दुनिया में जन्नत है यही दुनिया जहन्नम है अगर आमाल अच्छे हैं तो फिर किस बात का गम है भलाई कर भला होगा बुराई कर बुरा होगा जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है हर घड़ी महशर की है तो अरसाए महशर में है पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है सिख है दिए अकल का नाम लख रुपया तो जहल का नाम तेला तेला वाजिब उल एहतराम हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल वाहिद साहब हमारे तहसील कुकरनाग के डीएसपी साहब मोहतरमुल हम सब की जान और हम सब के प्यारे और गुजर बकरवा जितने हजरात यहाँ तशरीफ लाए आप सामीन मजमा के अंदर जमा होंगी कि जड़ो मजमू चारों तरफ को अल्लाह का फरिश्ता ने घेरो भी अल्लाह का फरिश्ता चारों तरफ न घेर ले और जा गए रब्बुल आलमीन की दरबार में पहुंचे फरिश्ता ने गवाह बनाने वास्ते अल्लाह कहे कि फरिश्तों दसो आज तक कितनी ड्यूटी दे के आया करे था तिने याद करे था ते हम उत ड्यूटी दे के आया के अल्लाह तेरा वे बंदा जमीन का फला टुकड़ा पर बैठा भी था और तिने याद करे था अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमावे कि फरिश्तों दसो वे लोग बिन याद क्यों दो मकसद ते बड़ा था कि ताकि वे जहन्नम तो बच जे अल्लाह पाक इरशाद फरमावे फरिश्तों फबी इसमे मैं जहन्नम तो बचा लिया या अल्लाह हमने भी जहन्नम को बचा ले और हमने जंती बना चुका फरिश्ता की अल्लाह कोई गरीब तो कोई परेशान हाल तो और कोई जनाब मोहतरम किसी और परेशानी में वे भी आ गया जिक्र करने वाला के कोले ताकि अल्लाह के गरीब ने जड़ा करा दो ये कलमी है अल्लाह मैं शुक्रिया है कि हमारी बरादरी का लोग जड़ा है मारी ब्रादरी का लोग ज्यादा जरा इन्वॉल्व हो या तो मारा भोला घर को ये जाकर फलानी जगह छोड़ वो जानता अनजाना मां यो चीज
कम करे कि वो अपनो पैकेट चाहे तो किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर सके उसना खरे पतो भी पैगो या नहीं हमारे लोगों में बेदारी आई और हमारी एक गैर सियासी तंजीम चल रही है गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस उसके बैनर तले हमने आज ये नशा मुक्त भारत जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है जम्मू सूबे में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और कश्मीर वैली में चल रहे हैं तो आज बहुत ज़्यादा ही हमारे नौजवान रात बिस्तर में सोते हैं और सुबह कहते हैं फलाने का बच्चा गुजर गया फलाने का भाई गुजर गया तो उस वक्त दिल को काफ़ी ज़र्ब लगती है कि कैसे गुजर गया बहुत सारे लोग कहते हैं हार्ट अटैक हो गया बहुत सारे कहते हैं क्या कि हमें पता नहीं है कि आज के इस दौर में आज चाहे कश्मीर वैली हो या जम्मू सूबा हो हर जगह हमारे बच्चे जो हैं वो नशे में लगे हैं नशे की इतनी बुरी लानत है जैसे कि हमारे नौजवान जो है वो चले जाते हैं जान एक बार गई तो फिर वापस आने वाली तो नहीं है तो हमने इसी असना में हमने गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के बैनर तले आज हमने यहाँ सरजमीन कांडवारा में डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग कुकरनाग में एक प्रोग्राम मुनक़द किया और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ बस्ती वाले लोगों का कि हम हमेशा जाते हैं मफाद वाली जगह लेकिन मेरे ख्याल में अगर असली समझेंगे तो असली मफाद जो है असली नफ़े वाली जगह यही जगह है और जो आज प्रोग्राम यहाँ मुनक़द किया हमारे स्टेट के सेक्रेटरी हैं हाजी अब्दुल वाहिद साहब हाल में इनको हमने स्टेट सेक्रेटरी गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का नामजद किया है और हमारे यहाँ अभी हम इनको भी हमारे पुराने साथी हैं हाफिज़ अब्दुलरहमान साहब ये हमारे सीनियर साथी हैं और इनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी जगह हम ले जा रहे हैं साथ में मौलाना यूनुस साहब ये भी हमारे पुराने साथी और गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के काफ़ी प्राण बहुत पहले से गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के साथ चल रहे हैं तो बाकी जो साथी और एक नौजवान जिसने यहाँ प्रोग्राम आज मुनक़द यहाँ हमने कहा था हम कुकरनाग में प्रोग्राम करें तो एक अल्ताफ नामी नौजवान जो है अल्लाह ताला उसको सेहत और ईमान दे कि वो पिछले दिनों मुझे श्रीनगर में मिला उसने कहा जनाब हमारे गांव में तो आज हम किसी को कुछ देने नहीं आए लेकिन एक चीज़ मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से आपके चैनल की वसादत से कहूँगा देने नहीं आए लेकिन अल्लाह बचाए और हमारी जो ये बैनर जो लगा है ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए हम आए हैं आम लोग के लिए है कि अपने बच्चों को जब हमारे बच्चे जाते हैं तो हम अब आज एक मोबाइल का दौर आ गया मोबाइल लेकिन जब बच्चे वापस आते हैं तो हम अपने बच्चों का हिसाब ही नहीं लेते वो कमरे में हमारा बच्चा हो या बच्ची हो अलग से मोबाइल पे जुट जाता है और मोबाइल से सारा सिस्टम चल रहा है तो मैं इनके माँ बाप हैं या किसी का माँ बाप नहीं बहन भाई हैं तो वो जब भी उनका बच्चा स्कूल कॉलेज या कहीं मजदूरी या अपने रोज़गार के से वापस शाम को घरों में तो आते ही हैं तो उनसे थोड़ा सा हिसाब ले ले बच्चे दिन में कहाँ थे या भाई दिन में आप कहाँ थे क्या किया तो मेरे ख्याल में सारी जिम्मेवारी जो पेरेंट्स की जिम्मेवारी है तो सबसे पहले हमें बच्चे हमारे जब वापस आते हैं तो हमें उनसे नौजवान बच्चे आजकल जा रहे हैं काफ़ी दुख हो रहा है तो उसी अजना में हमारे प्रोग्राम मुनक़द करने का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे जो शहरी इलाके हैं और जो हमारे निचले गांव हैं उनमें तो आइम्माए मसाजिद और उलमाए किराम इस हवाले से मुहिम चला रहे हैं कि नशा कितनी बड़ी नौसत है और इसके समाज में क्या क्या नुकसान हैं और उन नुकसान की वजह से हमारा समाज किस तरफ जा रहा है इस हवाले से मुहिम चला रहे हैं लेकिन जो हमारे ये गुजर बकरवाल इलाके हैं पहली बात ये कि अल्लाह का शुक्र है 90% ये इस चीज़ से पाक व साफ है लेकिन हमें ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं ये जो पाक जो नशे से पाक साफ लोग हैं कहीं ये भी इसमें मुबतला ना हो जाएं इनके जवान मुबतला ना हो जाएं तो इनको बेदार करने के लिए हमारे भाई हाफिज़ अब्दुल वाहिद साहब जो हमारे इंजुमन उलमा वाइमा मसाजिद जम्मू कश्मीर के सूबाई सदर जम्मू हैं इन्होंने अपने इस इलाके में ये प्रोग्राम रखा जिसका मकसद ये है कि हम अपने लोगों को ये बताएं खासकर हमने वालिदैन को जमा किया है उनको ये बताएं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पे एक ज़िम्मेदारी डाली है कि आप अपने बच्चों को हर तरह की बुराई से बचाएं आपको याद होगा कि कुरान करीम के अंदर आया है कि जब याकूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद नबी की औलाद है बुलाने के बाद क्या कहा कि आप बताओ कि मेरे बाद आप रब किसको मानोगे मेरे बाद आप सजदा किसको करोगे मेरे बाद आप इबादत किसकी करोगे तो उन्होंने कहा हम आपके बाद भी अल्लाह ही की इबादत करेंगे तो एक पैगंबर जब अपनी औलाद की फ़िक्र करता है तो हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम तमाम अम्बियाओं और रसूलों और ख़ास कर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे पहुँचाएँ लोगों तक और उनके मिशन में ये भी शामिल है कि नशा हराम है ये बुरी चीज़ है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला
इसके हवाले से हमसे पूछताछ करेगा। जो लोग नशा करते हैं इन्हीं के उन कयामत के दिन अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि ये फजूल खर्ची है आपने, फजूल गांजा चिट्टा ये सारी चीज़ें जिनसे इंसान पागल हो जाता है, माँ बहन बेटी की तमीज़ खो देता है, ये सारे के सारे नशे हराम हैं। इसी हालत में अगर कोई नौजवान मर जाता है नशे की हालत में तो वो जहन्नमी है, इसलिए कि वो बगैर तौबा के मरा है। तो हमारे जवानों को कि वो जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह से डरते रहें, और अल्लाह का डर ही तमाम बीमारियों को और बुराइयों को ख़त्म कर सकता है। तो नशा न सिर्फ हम करता है, आप देख रहे हैं कि थ्रू में पूरी उम्मत इस्लामिया, ख़ासकर मिल्लत इस्लामिया जम्मू कश्मीर के तमाम जवानों से ये गुजारिश कर